नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी और सड़सठवीं मुख्य परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम घोषित। बिहार में हर जाति का होगा अपना नंबर। बिहार में किसानों को पानी की कमी से मिलेगी मुक्ति। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सप्ताह में इस दिन रहेगा बंद। आकाश चोपड़ा हुए कोरोना पॉजिटिव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन रेलवे ने 238 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। भारतीय रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट के 238 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 7 अप्रैल से कर सकेंगे, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 6 मई 2023 है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास फीटर आदि ट्रेड में ITI की डिग्री भी होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट www.rrcjaipur.in या nwr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम घोषित। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बता दें कि घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार पूर्व घोषित तिथि पर ही परीक्षा ली जाएगी, यानी कि परीक्षा 12 मई को ही ली जाएगी, लेकिन 14 मई को होने वाली यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी 68वीं के मुख्य परीक्षाओं के कुछ तारीख में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत अब 14 मई को होने वाली मुख्य परीक्षा को 17 और 18 मई को लिया जाएगा। बता दें कि बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के 18 मई को खत्म होने से उन अभ्यर्थियों को कोई परेशानी नहीं होगी जो MPPCS और हरियाणा PCS की PT परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि 12 मई को GS की परीक्षा तो वहीं 17 मई को GS 2 और हिंदी की परीक्षा और 18 मई को निबंध और वैकल्पिक विषय की परीक्षा ली जाएगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रविंद्र प्रभात के बारे में। रविंद्र प्रभात का जन्म आज ही के दिन 1969 में हुआ था। यह भारत के हिंदी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, स्तंभकार, संपादक और ब्लॉग विश्लेषक हैं। उन्होंने लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन किया है, परंतु व्यंग्य और गजल में उनकी प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। 1991 में प्रकाशित अपने पहले गजल संग्रह हमसफर से पहली बार वे चर्चा में आए। लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक जनसंदेश, टाइम्स और डेली न्यूज एक्टिविस्ट के वे नियमित स्तंभकार रह चुके हैं। वे ब्लॉग साहित्यिक पुरस्कार परिकल्पना सम्मान के संस्थापक हैं। यह सम्मान प्रत्येक वर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ब्लॉगर सम्मेलन में देश विदेश से आए चिरपरिचित ब्लॉगर्स की उपस्थिति में प्रदान किया जाता है। अब तक यह सम्मान समारोह नई दिल्ली, लखनऊ तथा काठमांडू में आयोजित हो चुके हैं। बिहार में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विवेक कुमार के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत वर्ष 2023-24 के लिए 20 अप्रैल से होने वाली है, जो कि 31 मई तक चलेगी। बता दें कि इस वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए सरकार की ओर से 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सरकार की ओर से गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि अगर हम पिछले वर्ष यानी कि 2022 से 23 में गेहूं के समर्थन मूल्य की करें तो उस दौरान समर्थन मूल्य 2115 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। इस तरह पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के समर्थन मूल्य में सरकार की ओर से 10 रुपए का इजाफा किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गेहूं खरीदने के 48 घंटे के अंदर किसानों को PFMS के माध्यम से पैसे दिए जाएंगे। बिहार में हर जाति का होगा अपना नंबर। बिहार में जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है, लेकिन इससे पहले बिहार में हर जाति के लिए अलग अलग कोड निर्धारित कर दिया गया है, जो कि अंकों में है। बता दें कि निर्धारित किए गए कोड के अनुसार बनिया जाति के लिए 124 कोड संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें सूरी, गोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी, वैश्य, माहुरी वैश्य, बंगी वैश्य, वैश्य पोद्दार, बनवाल, अग्रहरी वैश्य,
कसौधन, गंध बनिक, बाथम, वैश्य, गोलदार आदि शामिल है। वहीं केवानी जाति के लिए 215 कोड निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगर सवर्ण जातियों की बात करें तो कायस्थ का कोड 22, ब्राह्मण के लिए 128, राजपूत के लिए 171, तो भूमिहार के लिए 144 है। कुर्मी जाति का अंक 25 और कुशवाहा कोयरी का 27 है। यादव जाति में ग्वाला, अहिर, गोड़ा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोला के लिए कोड संख्या 167 निर्धारित किए गए हैं। इन तीन रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को बनाया गया बीपीएससी का मेंबर। बीते दिन यानी कि 4 अप्रैल को बिहार सरकार के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के 3 खाली पदों के लिए सदस्य के रूप में नवल किशोर समेत 3 रिटायर्ड आईएएस अफसर को नियुक्त किया गया है। बता दें कि जिन 3 रिटायर्ड आईएएस अफसर को बीपीएससी सदस्य के रूप में चुना गया है उनमें यशस्पति मिश्रा, सेवानिवृत्त निदेशक पर्यटन विभाग सर्व नारायण यादव, सेवानिवृत्त निदेशक चकबंदी और नवल किशोर सेवानिवृत्त निदेशक SC/ST कल्याण विभाग को बिहार लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीपीएससी में अध्यक्ष के अलावा 6 पद होते हैं जिनमें वर्तमान में 3 पद खाली थे। ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा 1 अप्रैल को इन पदों को भरे जाने के लिए 5 दिनों की मोहलत दी गई थी जिसे बीते दिन यानी कि 4th दिन भर दिया गया है। बिहार में किसानों को पानी की कमी से मिलेगी मुक्ति। बिहार में लगातार भूजल स्तर की गिरती हालत को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा पिछले वर्ष जल संरक्षण को लेकर अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की गई थी। बता दें कि योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी है। मालूम हो कि इस योजना के तहत किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना के तहत 50 तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से 40 तालाबें बनकर तैयार हो गई है तो वहीं 10 तालाबों का निर्माण कार्य जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के 38 जिलों में 2852 अमृत सरोवर बनाने का काम किया जा रहा है। इन सरोवरों के निर्माण हो जाने से किसानों को मछली पालन से लेकर फसल सिंचाई तक में काफी सहायता मिलेगी। इन सरोवरों की मदद से किसानों को साल भर पानी की कमी से मुक्ति मिलेगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के बारे में। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र गांधी मैदान के पश्चिमी क्षेत्र में बना हुआ विज्ञान का एक बहुत ही बड़ा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ केंद्र है। इस विज्ञान केंद्र में सभी प्रकार के विज्ञान से जुड़ी हुई समस्त चीजें मौजूद है। यहाँ पर लगभग सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं का भ्रमण के लिए लाया जाता है। दूर दराज से आए हुए विज्ञान केंद्र से परिचित होकर जाते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की तकनीकी का भी प्रयोग किया जा चुका है जो कि भविष्य में होने वाली संभावित संसाधनों के बारे में जिक्र किया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कई मौजूद संसाधनों पर वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं तथा भविष्य में तकनीकों को मनुष्य के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। मनुष्य की जीवन शैली को और भी ज्यादा सरल बनाया जा सकता है। मनीष कश्यप के खिलाफ ईओयू ने दर्ज की एक और एफआईआर। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एक समाज सेवी निशांत वर्मा की शिकायत पर मनीष कश्यप के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज किया गया है। दरअसल समाज सेवी निशांत वर्मा के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत दर्ज की गई थी जिस पर जांच किए जाने के बाद इस घटना को सच पाकर ईओयू के द्वारा मनीष कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मालूम हो कि ईओयू के द्वारा मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज कराया गया यह 4th एफआईआर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2016 में मनीष कश्यप के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर कहा था कि हम महात्मा गांधी की हत्या पर जश्न मनाते हैं। बता दें कि फिलहाल मनीष कश्यप तमिलनाडु में बिहार मजदूरों के साथ मारपीट की घटना को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किए जाने को लेकर गिरफ्तार है। वहीं तमिलनाडु पुलिस के द्वारा उन्हें अभी ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। SSC CGL 2023 के लिए आवेदन शुरू। बीते दिन से कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा SSC CGL 2023 की परीक्षा के लिए आवेदन की शुरुआत कर दी गई है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 4 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। हालांकि अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले यह सलाह दी जाती है कि वह SSC CGL 2023 के लिए आवेदन करने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले। वही अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन 7 मई से 8 मई 2023 के बीच कर सकते हैं। मालूम हो कि एसएससी के इस भर्ती अभियान के तहत 7500 रिक्तियों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। बिहार
बिहार के सरकारी अस्पतालों में बिना मास्क नो एंट्री। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा सतर्कता बढ़ाने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, इस निर्देश के तहत अब राज्य के सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में उन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी जो बिना मास्क के अस्पताल में जाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही सरकार की ओर से मास्क पहनने के लिए प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे कोविड से जुड़ी गाइडलाइन का पालन जरूर करें। इसके साथ ही विभाग की ओर से अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन प्लांट समेत पूरी तैयारी रखी जाए और साथ ही जांच में भी तेजी लाई जाए। प्रदेश में अब सताएगी गर्मी। बिहार के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी कि कभी बारिश कभी गर्मी जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। इधर भारत मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल का महीना काफी गर्म रहने वाला है। पिछले दिनों प्रदेश में भले ही बारिश की वजह से तापमान में कमी देखने को मिली हो, लेकिन आगे का सफर तेज गर्मी के साथ होने वाला है। विभाग की माने तो अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान मौसम का मिजाज शुष्क बना रहने वाला है। हालांकि बिहार के कई जिलों में तेज गर्मी देखने को मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की बात कही है, लेकिन 5 और 6 अप्रैल को एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग के माने तो प्रदेश के दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश हो सकती है, इसके बाद मौसम शुष्क बना रहने वाला है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सप्ताह में इस दिन रहेगा बंद। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की साफ सफाई के रखरखाव को देखते हुए सप्ताह में एक दिन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बता दें, इस बात की जानकारी वन संरक्षक डॉक्टर निशा मणि के द्वारा दी गई है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विभाग के द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बता दें, इस दिन इको पर्यटन अंतर्गत जंगल सफारी की गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रहेगा। इस दिन केवल गाड़ियों के मेंटेनेंस, जंगल कैंप, जंगल के रास्ते को व्यवस्थित करना और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए आदेश को समुचित ढंग से लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। पर्यावरण बचाने की राह पर 13 राज्य सफर कर पूर्णिया पहुंचे यूपी के रॉबिन। उत्तर प्रदेश के निवासी रॉबिन बीते दिन पर्यावरण बचाने की राह पर हरित क्रांति के तहत 180 दिनों में 13 राज्य और 12,600 किलोमीटर साइकिल चलाकर पूर्णिया के सिंहपुर्णिया विश्वविद्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से मुलाकात की और वहां मौजूद छात्रों का हाल चाल लिया। इस दौरान उन्होंने जन संदेश देते हुए कहा कि प्रकृति की ओर लौटने से प्रकृति एवं जीवों का प्यार ही मिलेगा। बता दें कि उन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को कन्याकुमारी से साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत वह बीते दिन बिहार के पूर्णिया पहुंचे, जहां उनका प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर पवन कुमार झा व रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम राय के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और साथ इस दौरान उनके द्वारा परिसर में दो पौधे भी रोपे गए। उन्होंने बताया कि उनकी साइकिल यात्रा अगले एक साल तक जारी रहने वाली है और उनकी यात्रा महाराष्ट्र में जाकर समाप्त होगी। 7 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का होगा चुनाव। 7 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के 30 पदों के लिए चुनाव होने वाला है। बता दें कि इस चुनाव में पूरे 144 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। मालूम हो कि चुनाव को लेकर कोर्ट परिसर चारों तरफ से होर्डिंग और फ्लैग्स से भर चुका है। इसके साथ ही काउंसिल भवन में भी फ्लैग्स और होर्डिंग लगाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, कोषाध्यक्ष, ऑडिटर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव निगरानी और लाइब्रेरी कमेटी के लिए करवाए जा रहे हैं। सहायक मौलवी और सहायक शिक्षक के परीक्षा का शेड्यूल जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक मौलवी अरबी की परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 8 अप्रैल को दिन में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक अरबी की विषयनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 9 अप्रैल को सहायक शिक्षक अंग्रेजी के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित विषयनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा से संबंधित उम्मीदवार के प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट www.bpsc.pih.nic.in पर परीक्षा की तिथि से पूर्व उपलब्ध हो जाएंगे, जिन्हें डाउनलोड कर उम्मीदवार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। मालूम हो कि इस संबंध में विस्तृत सूचना उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है।
अखिलेश सिंह ने सीएम नीतीश को लेकर दी यह सलाह। इन दिनों एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं शुरू हो गई है। वहीं अब इस मुद्दे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के द्वारा बीते दिन सीएम नीतीश को एक सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अपने नेता प्रधानमंत्री बने, ऐसे में हमारी यह जिम्मेदारी है कि सबसे पहले 2024 में केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार को हटाया जाए और उसके बाद यह निर्णय लिया जाए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी यह तय नहीं था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्हें भी आम सहमति के बाद प्रधानमंत्री का पद दिया गया। इसलिए हमें भी पहले केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार को हटाने पर ध्यान देना चाहिए और फिर यह तय करना चाहिए कि प्रधानमंत्री का पद किसे दिया जाए। ललन सिंह ने बीजेपी को बताया बड़का झूठा पार्टी। बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम में हुए हिंसा को लेकर बीते दिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा बीजेपी पर तंज कसते हुए बीजेपी को सबसे बड़ा झूठा पार्टी बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ ऐसे तत्व हैं जो राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश पर बिहार सरकार के द्वारा पूरी मुस्तैदी से महज 8 घंटे में ही काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य में डूबती हुई नाव पर कौन सवार है। बड़का झूठा पार्टी नाम की नाव 2024 के लोकसभा चुनाव में डूबने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन में दरार को लेकर कहा कि क्या कोई पार्टी भाजपा से गठबंधन कर रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन मजबूती से चल रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सत्ता साफ करने वाली है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को बताया बीमार और बूढ़ा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि जब बिहार की हिंसा बिहार पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पाई तो मोदी जी की सेना को आना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का सियासी साख लगातार घट रहा है, अब हमको लगता है कि वह बीमार और बूढ़े हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें लाल किला का सपना दिखाया जा रहा है। उन्हें राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग नीतीश कुमार को लाल किला का सपना दिखा रहे हैं वे लोग पिछली बार 2 सीटों पर ही सिमट गए थे, लेकिन इस बार उन्हें वह 2 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। जेडीयू का 2014 की तरह 2024 में भी कोई खाता नहीं खुलेगा। बंगाल बिहार में हिंसा पर ओवैसी का बयान। बिहार और पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा की घटनाओं को लेकर बीते दिन AIMIM के अध्यक्ष अशरुद्दीन ओवैसी के द्वारा वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में हिंसा होती है तो वहां की सरकार जिम्मेदार होती है। उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया को आग लगा दी गई, मुस्लिम के दुकानों को निशाना बनाया गया, सब चीजों के पीछे साजिश है। सीएम नीतीश जानते थे कि नालंदा एक संवेदनशील जिला है, फिर भी वहां अशांति थी। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश और तेजस्वी राज्य के मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों राज्यों में जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार केवल वहां की सरकार है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो इतने समय से मुख्यमंत्री है वह इसे नहीं रोक पाया। आकाश चोपड़ा हुए कोरोना पॉजिटिव। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस कोरोना ने IPL 2023 में भी अपनी दस्तक दे दी है। दरअसल अपनी शानदार क्रिकेट कमेंट्री के लिए मशहूर कमेंटेटर व टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज आकाश चोपड़ा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बता दें इस बात की जानकारी खुद आकाश चोपड़ा के द्वारा अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करके दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, कॉट एंड बोल्ड कोविड, हाँ सी वायरस फिर से आ गया है, वास्तव में हल्के लक्षण, सब कुछ नियंत्रण में है। कुछ दिनों के लिए कमेंट्री ड्यूटी से दूर रहूंगा, उम्मीद है कि मैं और मजबूत होकर वापसी करूंगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे। भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना 1949 को हुई। भारत सरकार की ओर से प्रायोजित पहली इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1961 में हुई। नौसेना ने 1964 में पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। देश का पहला नौसेना संग्रहालय 1979 में मुंबई में खुला। भारत म्यांमार व थाईलैंड के बीच 2002 में मूरी कलावा मांडले सड़क परियोजना पूरी करने हेतु सहमति हुई। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास का जन्म 1479 में हुआ। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता बाबू जगजीवन राम का जन्म 1908 में हुआ। आज के दिन को राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस, नेशनल मेरी टाइम डे और समता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
वाइल्डकार में आज हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एसएससी ऑफिशियल एक ट्विटर खाता है जो कर्मचारी चयन आयोग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल होने का दावा कर रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह अकाउंट फर्जी है, एसएससी का ट्विटर अकाउंट नहीं है। आधिकारिक जानकारी के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। एनसीईआरटी ने कई विषयों के सिलेबस में किया बदलाव। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी की ओर से 12वीं के इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी विषय के सिलेबस में बदलाव किया गया है। बता दें कि किए गए इस बदलाव के तहत अब इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया है। नागरिक शास्त्र की किताब से यूएस हिजमनी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वॉर एरा जैसे चैप्टर को हटा दिए गए हैं। इसके अलावा 11वीं की हिस्ट्री बुक से सेंट्रल इस्लामिक लैंड संस्कृतियों का टकराव और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर को हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही हिंदी विषय से फिराक गोरखपुरी की गजल और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत गाली दो मुझे को हटा दिया गया है और साथ ही विष्णु खड़े का एक काम और सत्य को भी हटा दिया गया है। बता दें कि इन बदलाव को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू किया जाएगा। गलत नंबर पर किया रिचार्ज तो इस तरह वापस पा सकते हैं पैसे। कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलत नंबर पर फोन रिचार्ज हो जाता है, ऐसे में हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अब आपको अपने पैसे वापस लेने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यदि गलती से गलत नंबर पर रिचार्ज कर देते हैं तो आप पैसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए आपको फौरन जिस भी टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम कार्ड यूज करते हैं उसके कस्टमर केयर पर कॉल करें और उन्हें सभी जानकारी बताएं, यानी रिचार्ज कितने अमाउंट का था, किस कंपनी के नंबर पर रिचार्ज किया गया है, किस ऐप के जरिए रिचार्ज किया गया है। इसके अलावा आप ईमेल के माध्यम से भी पूरी जानकारी दे कर अपने पैसे वापस पा सकते हैं। मालूम हो कि वीआई के लिए ईमेल customercare@vodafoneidea.com, एयरटेल के लिए airtelpresence@in.airtel.com और जियो के लिए care@jio.com है। जब आप सारा विवरण भेज देते हैं तो कंपनी बैक एंड पर इसकी जांच करती है और सही पाए जाने पर आपका पैसा वापस आ सकता है। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, सदुल्ला पलवी, रवि रंजन कुमार, अंजना मिश्रा, विपिन कुमार, सन्नी सहनी, रवि कुमार राम, अभिषेक राज, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, वेद प्रकाश सिंह, कन्हैया कुमार, नन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, मंजय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार का सबसे साफ सुथरा जिला कौन सा है? तो आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।